आज से लागू फास्टैग सिस्टम से कई जगहों पर लोग परेशान भी नजर आए। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के पानीपत टोल पर वाहन चालक इस बात से कंफ्यूज नजर आए कि किस लेन में प्रवेश करें। लोगों को अपनी गाड़ियों को आगे पीछे दाएं बाएं करते हुए भी देखा गया। तभी टोल के अधिकारियों की निगरानी में स्टाफ ने संकेत से वाहनों को गाइड किया और उनकी कन्फ्यूजन दूर की। देश भर के टोल प्लाजा पर आज फास्टैग से पेमेंट की नई व्यवस्था लागू हुई है। हम पानीपत के नेशनल हाईवे के टोल पर खड़े हैं। दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली अंबाला, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, देश की राजधानी को 5 राज्यों से जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे है। हम ये जायजा ले रहे हैं कि आज जो नई व्यवस्था हुई है उसमें लोगों को कितनी राहत है या कितनी परेशानी है। हमने खुद देखा, आप देखिए, ये सिक्योरिटी के कुछ लोग खड़े हैं। आज नई व्यवस्था के तहत पानीपत टोल पर यह भी है कि बैरिकेटिंग लगाकर काउंटर से पहले 100-150 गज लोगों को बताया जा रहा है कि आप दाएं जाइए या बाएं जाइए। यहाँ बहुत सारे जो वाहन चालक दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, जिनको हरियाणा जाना है, पंजाब जाना है, वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है टोल पर आते ही कि दाएं जाएं बाएं जाएं। जो गाड़ियां जाती हैं वो आगे पीछे कर रहे हैं, राइट लेफ्ट कर रहे हैं। आज नई व्यवस्था लागू है फास्टैग की, क्या परेशानी आ रही है सर? थोड़ा सा रश सा दिख रहा है और बाकी तो मतलब फास्टैग से तो मतलब अच्छा है कि फास्टैग से हमारे बाकी लाइनें तो क्लियर हैं, लेकिन हमने गलती कर रखी है तो नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, अच्छी चीज़ है, कैशलेस काम होगा तो जाम भी नहीं लगेगा और आराम से निकलेंगे। आपको लगता है शुरुआती दिक्कत आगे ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, अगर सही तरह से काम करेंगे तो बिल्कुल होगा। ये तो उनको चाहिए, तो अथॉरिटी को चाहिए कि देखना कि वो किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। जो लोग आ रहे हैं गाड़ियों से दिल्ली चंडीगढ़, क्या अभी तक आपको रास्ते में दिक्कत हुई है? नहीं, हमें जाम नहीं मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन एनी ऑफ द टोल, एंड इट्स क्वाइट गुड दैट वी डोंट हैव टू यू नो कैरी आवर कैश, एंड मेन थिंग इज दैट फॉर द चेंज 40 रुपीज 20 पैसा 40 रुपीज 80 पैसा, सो वी हैव टू पे राउंड फिगर। सो सेटिस्फाइड विद न्यू सिस्टम, बट विल टेक सम टाइम टू स्ट्रीमलाइन द थिंग्स। वेरी मच, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस थिंग, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस efforts you guys are taking. It will take some time on some of the toll because some guys don't have the fast tags. So only on that line we have to wait, otherwise it's smoothly. We have the right tag, you mean? Yeah, yeah. Thank you very much. लोग नई व्यवस्था से खुश जरूर हैं, हालांकि 30 दिन का अतिरिक्त समय उन लोगों को दिया गया है जिनके फास्ट टैग बैलेंस ना होने की वजह से ब्लैक लिस्टेड हैं, या जो डबल चार्जेस वाली बात थी 30 दिन के लिए डबल चार्जेस वाली बात भी उसको होल्ड पे रखा गया है। 30 दिन बाद ये नई व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।